2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण तय करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं और इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। हर राज्य हर जिले में पार्टियां अपना परचम लहराना चाहती हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं। रणभेरी 2022 में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी समर में सपा का योगा दाव। यूपी में चुनावी महासमर अपने समाप्त पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए ताल ठोक रहे और अपने विरोधी को परास्त करने के लिए हर मुमकिन दाव आजमाया जा रहा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार के खिलाफ योगा दाव आजमाया है। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट के जरिए। यूपी में चुनावी महासमर अपने शबाब पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सियासी दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे और अपने विरोधी को परास्त करने के लिए हर मुमकिन दाव आजमाया जा रहा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार के खिलाफ योगा दाव आजमाया है। समाजवादी योग शिविर की शुरुआत हो चुकी है और आज यूपी के बांदा में योग शिविर में सैकड़ों की तादाद में लोगों को योग सिखाते आचार्य अजय पाठक ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ब्राह्मण विरोधी करार दिया है। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के पक्ष में बाबा रामदेव के योग मिशन की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने योगा शिविर लगवाना शुरू कर दिया है। बांदा में आज हरिद्वार से आए योग गुरु अजय पाठक ने समाजवादी योग शिविर संचालित किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग अभ्यास किया और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी ली। आचार्य अजय पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा के बड़े पैरोकार हैं और उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के बांशिंदों में पूरी तरह से स्वस्थ रखना है और इसी के तहत ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं और ये अनवरत चलता रहेगा। योग शिविरों के माध्यम से और घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने संकल्पित किया है हम लोगों को और हमारे संस्थान के लोगों को, हम लोग लोगों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ लोगों को समता और समानता की एकता के सूत्र में बांधने का भी संकल्प किया है क्योंकि योग का जो मूल उद्देश्य है समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोगों में ही समाहित किया गया है और हम चाहते हैं कि पुनः हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयः के साथ साथ वो जो सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ सबका सर्वांगीण विकास हो और उत्तर प्रदेश की जो सरकार लोगों को हिंदू और मुस्लिम के तुष्टिकरण की राजनीति के साथ बांटने का काम कर रही है तो सरकार ये सावधान हो जाए। इस बार हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं अखिलेश यादव की विकास नीति पर वोट करने जा रहे हैं। पूरा हमारा संत समाज साधु समाज और योग के लोग सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ रह करके उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़े रहेंगे न कि योगी जी के विनाश के साथ। भाजपा और योगी सरकार से खासे नाराज दिखे आचार्य अजय पाठक ने योगी सरकार को ब्राह्मणों का दुर विरोधी बताते हुए कहा कि ब्राह्मण शास्त्र भी जानता है और शस्त्र उठाना भी और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण की हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे यूपी के मतदाता का वोट हासिल किया जा सके। अब देखना ये होगा कि चुनावी समर में सपा का योगा दाव कितना कारगर साबित होता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सपा का योगा दाव भाजपा के खिलाफ, आज जिस तरीके से योग सिखाया गया आचार्य अजय पाठक काफी नाराज नजर आए योगी सरकार से और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रगति करेगा, विकासशील होगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना भी जानता है और शास्त्र उठाना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनावी हलचल जो है, जो सियासी हलचल है वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को फतह कर लिया जाए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनवर रजा बांदा से जुड़ चुके हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे हम, चुनावी समर में सपा का योगा दाव आज देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या लगता है कि क्या योगा दाव काम करेगा?
हालांकि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और तमाम जी पार्टियों के लोग चुनावी दांव पेश खेल रहे हैं, इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी का योगा दांव पेश जो देखने को मिला है, और ये 2 दिवसीय था और इन्होंने जिस तरह से हजारों की संख्या पे लोगों को इकट्ठा करके और जिस तरह से दांव पेश खेलने का प्रयास किया है, इन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रामदेव बाबा ने दांव खेला था, उसी तरह से हम भी इस बार इस तरह से योगा में सब लोगों को समर्थ क्लेश यादव से ज्यादा अच्छा जो स्वास्थ्य सेवाएं और शरीर से जो स्वास्थ्य की भावनाएं हैं उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो दांव खेला है वो सीधा तौर पर लुभाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के तमाम महिलाओं और पुरुषों को वहां पर इकट्ठा करके। और उन्होंने जो महाराज थे वो हरिद्वार से आए थे और इन्होंने जिस तरह से बात की और बात योगा के बीच बीच में जिस तरह से कटाज करते जा रहे थे तो प्रदेश सरकार को पूरी तरह से कोस रहे थे। और उन्होंने बताया था कि जो प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा की सरकार है वो पंडित विरोधी ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ब्राह्मण अब सचेत हो चुका है और समझदार है और 2022 में जो चुनाव होगा उसमें हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह की भावना को लेकर उन्होंने बात बीच बीच में कटाज करते रहे और उन्होंने बात बात में कोसा भी योगी सरकार को कि जिस तरह से जो मुद्दे हैं, अब्बा जान की बात कही उन्होंने कि अब्बा जान की मुद्दे पर जिस तरह से योगी सरकार, उनके पास किसी प्रकार का विकास का कोई मुद्दा नहीं है, अब्बा जान पर ही राजनीति कर रहे हैं जी। तो अनवर यहाँ पर हम एक चीज देखिए कि आचार्य अजय पाठक जो हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे थे सरकार से, काफी कुछ उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को भी बार बार जिक्र किया ब्राह्मणों को लेकर कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना, अगर शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है, तो कहीं ना कहीं एक तीखे तेवर जो है वो देखने को मिल रहा है और साफ समझ आ रहा है कि वो काफी नाराज है सरकार से। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके भाव दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने योगा में लोगों से बातचीत की और योगा के दौरान जो बात कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, बीच बीच में कटाक्ष मारते जा रहे थे कि हंसिए सरकार ने हंसने नहीं दिया, इन 5 सालों में किस तरह से स्थितियां रही कोरोना जैसी बीमारी में और इन लोग ये लोग जो जो प्रदेश सरकार रही है लोकसभा चुनाव करवाती रही या बीच बीच में जो जिला पंचायत चुनाव है और ग्राम पंचायत की जो चुनाव थे उनमें लगी रही, और अगर अगर समय समय पर अगर इन्होंने ख्याल किया होता तब इन्हें स्वास्थ्य के प्रति कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब चुनाव आता है तो भगवान दिखाई देते हैं और योगा दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल अनवर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि इसका कितना असर जो है वो जनता में देखने को मिलेगा और 2022 का जो चुनाव है वो कौन फतह करेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं चुनावी समर में सपा का दाव, आज जिस तरीके से 2 दिवसीय योगा शिविर जो है वो रखा गया था और लगातार कटाक्ष किए जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले चुनाव में बाबा रामदेव का सहारा लिया गया था वैसे ही अब हम योगा शिविर चलाएंगे और योग के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जितने भी योग करते हैं जो आचार्य हैं वो सपा समाजवादी पार्टी के साथ हैं और भाजपा सरकार को हटा कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणभेरी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और ये तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे चच्चा जान पर घमासान। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जुबानी जंग जारी है, यहां पहले ही अब्बा जान को लेकर सियासत गरम थी और अब चच्चा जान की एंट्री ने आग में घी का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले अपने भाषण में अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। अब मंगलवार को किसान नेता राकेश शिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चच्चा जान बताया है, तो AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने कहा कि 2017 और 2019 में राकेश शिकैत भाजपा को जिता रहे थे, राकेश शिकैत भाजपा की पिच पर भाजपा के बल्ले और गेंद से खेल रहे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राकेश शिकैत का अब किसान आंदोलन नहीं चुनाव आंदोलन हो रहा है। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। चाचा जान आ गया इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान, आपको नहीं पता? नहीं नहीं, क्या अभी चाचा जान किस तरह के मतलब क्या? अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई, चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे हैं पूरा। हाँ चाचा जान है इनका तो,
चौधरी साहब, लगभग 10 महीने हो गए धरना चल रहा है। हाँ जी, आगे की क्या रणनीति है, कब तक धरना चलेगा? क्या देखो, जब तक भारत सरकार नहीं मानने, ये कानून इनको बताना पड़ेगा कि देश के ये किसान प्यारा है या ये घराने प्यारे हैं उद्योगपति, ये भारत सरकार को बताना पड़ेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बोल रहे हैं ओवैसी साहब को, बीजेपी के चचा राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, वो AMIM भी उसका एक हिस्सा है, और श्री राकेश टिकैत जी जो किसान आंदोलन के नाम पर पूरे प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, मैं यह मानता हूँ किसान आंदोलन नहीं, यह चुनाव आंदोलन हो रहा है। जी हाँ, तो अब चर्चा जान पर घमासान होने लगा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 से पहले राशन नहीं मिल पाता था क्योंकि अब्बा जान कहने वाले राशन डकार जाते थे। राकेश टिकैत ने आज ओवैसी को चचा जान कह दिया भाजपा का, और उसके बाद फिर AIMIM के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जो है इससे पहले भाजपा का समर्थन ही करते थे, लेकिन आज अचानक से उनके सुर जो है वो बदले हुए नजर आ रहे। और इसके बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब किसान आंदोलन जो है टिकैत जी का वो चुनाव आंदोलन बन गया है। तो कहीं ना कहीं 2022 की राजनीति जिस तरीके से देखने को मिल रही है, हर कोई एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब्बा जान चचा जान की राजनीति चलने लगी है, एक तरफ ब्राह्मणों को साधा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री ने अब्बा जान कहा था, आज राकेश टिकैत ने ओवैसी को चचा जान कह दिया। इससे पहले भी कई बार विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि ओवैसी जो है वो भाजपा को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आ रहे हैं। यसी, बात यहीं तक रुक जाती तो शायद अच्छा होता जी। लेकिन अब्बा जान से बढ़ते बढ़ते बात चचा जान तक आई, और चचा जान से बढ़ते बढ़ते अब अम्मी जान भी उसमें उतर आई हैं, तो ये सिलसिला यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और चूंकि अब 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में आपको हर रंग देखने को मिलेंगे, तो एक रंग ये भी है। इससे पहले जो एक खबर दिखाई हमने के न्यूज़ ने कि कैसे योगा दिवस मनाया जा रहा है, बाबा रामदेव को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव पिछले 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए नजर आए थे, और ये कहा था कि जो 30 रुपए का पेट्रोल देगा हम तो उसकी सरकार बनाएंगे। तो भारतीय समाजवादी पार्टी ने अब सीधा उनको निशाने पर ले लिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बाबा रामदेव की इसमें एंट्री होती है या नहीं होती है, और उनको उकसाया जा रहा है कि बाबा रामदेव की अगर इसमें एंट्री हो तो उनसे सवाल पूछे जाएं कि भाई वो 30 रुपए लीटर का पेट्रोल कहाँ है, वो उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो विदेशी बैंकों में लाखों रुपए काले धन के रूप में पड़ा है वो कब वापस आएंगे, क्योंकि ये सारी खबरें बाबा रामदेव ही बताते थे लोगों को कि लाखों करोड़ का धन अगर काला धन वापस आ जाएगा तो लोगों पूरे देश का कर्जा खत्म हो जाएगा। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सोच समझ करके ये रणनीति बनाई है, और ये एक दांव चला, योगा का दांव चला है। ये लगता है मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से ये सारे दांव सीखे हैं। मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव सबसे मशहूर दांव था, वो कुश्ती के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, और एक बार जिसको चरखा दांव लगा देते थे वो बच नहीं पाता था। और अखिलेश यादव जाहिर की बात है कि उनके सुपुत्र हैं,
और जानते हैं, तमाम दांव उनसे सीखे हैं, तो उन्होंने ये दांव अब योगा दांव चल दिया है। इसमें बाबा रामदेव कब फंसेंगे, कब चित होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, हम यशी अपनी बात पर आते हैं, जिस जो सवाल आपने किया कि अब्बा जान, अब्बा जान के बाद चाचा जान, चाचा जान के बाद अब अम्मी जान। यहाँ पर जो दिल्ली की पार्टी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने अब इसमें अम्मी जान का भी तड़का लगा दिया है। उन्होंने कहा भाई अम्मी जान को भी इसमें लाना चाहिए, अम्मी जान पीछे इसमें क्यों रहे। तो अब्बा जान, चाचा जान और अब अम्मी जान, सब यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और इस पर लगातार खेल चल रहा है। यशी जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम राकेश शिकायत के बयान की बात करें, जिस तरीके से अब वो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, आए दिन वो मीडिया से रूबरू होते हैं और आए दिन जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया है कि ये किसान आंदोलन जो है ना, अब ये चुनाव आंदोलन बन गया है। प्रदीप जी, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई अब ये किसान आंदोलन जो है ये राजनीतिक रूप धारण कर रहा है, चुनाव की ओर रुख कर रहा है? देखो यशी, समझना होगा हमें कि अब कोई भी आंदोलन जन हितकारी आंदोलन नहीं होता है, उसके पीछे कहीं राजनीतिक मायने होते हैं। 2011 की अगर हम बात करें, अगर अन्ना का आंदोलन हुआ 2012 में तो लंबा चला और वो एक पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन था। दिखने में तो लग रहा था कि ये एक सामाजिक आंदोलन है, लोकपाल की लड़ाई लड़ी जा रही है कि लोकपाल बिल आ जाएगा तो लोगों को करप्शन से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके जब फिर उसके बाद लोकपाल बिल गायब हो गया और आज उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती है, तो वो भी एक राजनीतिक आंदोलन था। अन्ना का इस्तेमाल किया गया था, केजरीवाल आगे बढ़ गए, मनीष सिसोदिया आगे बढ़ गए और उसमें से निकले हुए तमाम नेता, आज संजय सिंह आगे बढ़ गए, उसमें से निकले तमाम नेता, चाहे योगेंद्र यादव की बात करें, आज बड़े नेता हो गए हैं, बड़े अच्छे मंच वो सजा रहे हैं। उसी तरीके से विपक्ष ने भी अब सीख लिया है कि सत्ता पक्ष को कैसे जवाब देना है। जैसे समाजवादी पार्टी ने योगा दिवस मनाया और बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा किया, उसी तरीके से ये किसान आंदोलन भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक चुनावी आंदोलन हो सकता है और किसान के नाम पर सत्ता पक्ष कुछ कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये राजनीति उसको वास्तव में है ये चुनावी आंदोलन, जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन सामने से अगर देखा जाए, पर्दे के बाहर से अगर देखा जाए, तो ये एक सामाजिक आंदोलन, एक किसानों का आंदोलन है, लेकिन अंदर पर्दे के अंदर की अगर हम बात करें तो ये इसमें कोई शक नहीं कि ये चुनावी आंदोलन है। और चुनावी आंदोलन क्यों ना हो, जब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है तो विपक्ष भी उसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये चुनावी आंदोलन है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन, अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार को ठिकाने लगा दिया था, कांग्रेस की सरकार को इतना भ्रष्टाचार के नाम पर इतना खराब कर दिया कि वो जनता ऊब गई कि अब किसी न किसी कीमत पर इनको हटाना है, उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए। क्या विपक्ष ये नैरेटिव बना पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब है, किसानों को लेकर के इतनी बेरहम है कि वो किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसान इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, किसान इतने परेशान हैं, क्या विपक्ष इसका नैरेटिव बना पाएगा? ये अभी तक तो वो सफल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने लाख कोशिश कर ली है, ना तो वो इस आंदोलन को समाप्त कर पाए हैं और ना ही इसको तितर बितर कर पाए। एक समय जरूर आया था कि जब ये आंदोलन खत्म होता नजर आया था, जब दिल्ली से इनको हटा दिया गया था और मेरठ में भी करीब करीब इनके जो तंबू है उखाड़ दिए गए थे। राकेश टिकैत ने जो वहां पर आंसू बहाए थे और उसके बाद से जो हजारों और लाखों किसान वापस आए, तो ये आंदोलन को इसने पुनर्जीवन दे दिया और अब ये सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। चुनावी आंदोलन है, इस बात में कोई शक नहीं है और लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि कानून वापस लेना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि उसमें जो कमियां हैं उनको कैसे संशोधित किया जाए और संशोधित करके उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन चूंकि चुनावी आंदोलन है तो ये लगातार चलता ही रहेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, कहीं ना कहीं भी ये देखना होगा कि राकेश शिकायत 2022 के चुनावों में एंट्री सीधे सीधे कैसे लेते हैं, क्योंकि मीडिया से तो लगातार रूबरू हो ही रहे हैं, बयानबाजी भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं कह रहे कि हाँ हम चुनाव के लिए ऐसा कुछ करें या किस तरीके से ये एंट्री करते हैं, ये भी देखना होगा। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और हम बात कर रहे हैं चचा जान पर घमासान, यानी कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद राकेश शिकैत ने आज ओवैसी को चचा जान कह दिया भाजपा का, और उसके बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अम्मी जान भी पीछे क्यों रहेंगी, अम्मी जान को भी लेकर आया जाए, तो कहीं ना कहीं सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। लेकिन देखना होगा कि 2022 के चुनाव में किसके सर पर ताज सस्ता है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है खुद ही अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और रणभेरी 2022 में अब हम बात करेंगे योगी का मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, जिसमें योगी सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर जनता को सबसे बड़ी राहत पहुंचाने जा रहे हैं, जिसमें यूपी के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है और 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी के यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 14 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी अगले सप्ताह एक पूरी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लखनऊ से शिव प्रताप जी जुड़ चुके हैं। आज शिव प्रताप जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लिए सख्त निर्देशित कर दिया गया है, सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देशित कर दिया है। तो क्या 2022 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर स्ट्रोक है, इसी में बात करें। शिव प्रताप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिव प्रताप जी, योगी आदित्यनाथ का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है 2022 के चुनावों के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को यह साबित करना होगा कि पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने क्या किया और जो उनकी सरकार है जनता को आखिर क्या तोहफा दे करके जाएगी, या फिर अगले विधानसभा चुनाव में वो किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में आएगी। इसको लेकर के ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज थे, लगभग एक दर्जन राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात की गई है 75 जिलों में, जो कि नाकाफी है। लेकिन जो दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जब आई है तो उसके बाद 32 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई है, नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी आई है, बेहतर हुआ है स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, और अब उत्तर प्रदेश के जो जिले अभी बचे हुए हैं यानी कि 16 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज शुरू होने हैं, उसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर से दिशा निर्देशित कर दिया गया है। आशय प्रताप जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने इससे पहले भी हमें बताया था कि जो पूर्वी यूपी है वहां के लोगों को ये एक सौगात मिलेगी, और चूंकि विकास से काफी दूर रहा है ऐसे पूर्वी यूपी के जो लोग हैं वो विकास से काफी दूर रहे, तो कहीं ना कहीं ये वाकई मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और काफी राहत की बात भी है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में
क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा हिस्सा रहा है जो स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी ज्यादा और यही वजह है कि वहां पर डेंगू इंसेफ्लाइटिस और यही इंसेफ्लाइटिस जैसी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर के जनता में काफी रोष उत्पन्न होता रहा है और अभी भी इतनी बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की नहीं हो रही है और इसी को अब योगी आदित्यनाथ ने अपना मुख्य एजेंडा तय किया है और इसी को लेकर के अब एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की नीति अपनाई गई है और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के शुरू होने से लेकर के 2017 से लेकर 2021 तक की पूरी जो तय समय सीमा है उसके अंदर योगी सरकार ये दिखाना चाहती है जनता को कि उसने जो संकल्प किया था स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के उसने वो पूरा किया और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ ने अब ये वरिष्ठ अधिकारियों को साफ तौर से कह दिया है कि जो बचे हुए जिले हैं बिल्कुल शिव प्रताप जी देखना होगा कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है कितना ये काम करता है भाजपा के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से हमने आज आपको तीन तस्वीरें दिखाई, पहली तस्वीर जहां पर सपा का योगा दाव चल रहा है जिससे वो रामदेव को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2017 के जब चुनाव होने थे उससे पहले रामदेव ने कहा था कि अगर आपको 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चाहिए तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। और उसके बाद आज जिस तरीके से योग का सहारा लेकर क्या ये रामदेव को उकसाने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये हम कर रहे थे अब्बा जान के बाद चचा जान पर आई राजनीति और चचा जान के बाद अब अम्मी जान पर, तो अब अम्मी जान अब्बा जान और चचा जान पर ही राजनीति हो रही। तीसरी बात हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मास्टर स्ट्रोक की, यानी कि जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था वैसे ही अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणभेरी जो है वो पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है, सभी राजनीतिक दल तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है लेकिन ये जनता को तय करना है कि 2022 के चुनावों में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल 2022 रणभेरी में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है, चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी